अपनी बीवी का अंतिम संस्कार जो है ना, मैं अपने हाथों से करूंगा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मांगकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। आज पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। राधा मोहन साथ होते ना तब तभी तो हिट है। राधा जो है ना वो मेरे लिए सबसे खास है। मेरे परिवार की असली दौलत जो है ना वो राधा है। गुनगुन मत रोको मोहन को। हम आपके लिए कभी नहीं मर सकते, कभी नहीं। जला दो राधा को मोहन, जला दो। हमारा तो मन था कि ये राधा को तुलसी की तरह जला दे, पर इसका पुतला जलते हुए देखकर हमें उतना ही मजा आ रहा है। जलेगी राधा और ठंडक हमें पहुंचेगी। हमें विश्वास था कि
कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते जितना हम आपसे करते हैं। आप हमारे मोहन जी हैं, हमारे पति, हमारा प्रेम, हमारा सब कुछ। अगर आप भी किसी और के साथ चले गए तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, बताइए तो। कैसे फेल हो जाओगी तुम? भूल गई क्या, राधा मोहन साथ है तभी तो हिट है ना, और मैं पूरी ना तुम्हें फेल होने दूंगा यार। बस ओए राधा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों नहीं छोड़ती यार, कितनी कोशिश की मैंने कि राधा मेरा पीछा छोड़ दे, पर छोड़ती नहीं है मेरा पीछा। क्यों क्यों मैं इतना मजबूर हो रहा हूं? अच्छी तरह जानती थी कि आप वही मोहन त्रिवेदी हैं जो 7 साल पहले थे। पर देखिए आपने क्या कर दिया, आपकी हरकतों ने सबको बता दिया कि आपको आज भी मुझसे प्यार है। आज भी आप मेरे पीछे पड़े हैं। और आज भी आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। मैं नहीं, मैं आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूं मोहन जी। पर आप मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे। मुझे दोबारा पाने के लिए आपने न जाने कितनी कोशिशें कर ली, पर मैंने आपको भाव नहीं दिया। कि जो कुछ भी ड्रामा आप कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात की मिर्ची लग गई है मिस्टर त्रिवेदी कि मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। खैर, आप प्लीज एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए मिस्टर त्रिवेदी। आप ये सब जो कर रहे हैं ना, इससे सोसाइटी के रूल्स टूटे हैं। और अब आप ही को नुकसान होगा। कैसे रूल्स? पहला रूल, आपने सोसाइटी के कंपाउंड में चिता जलाई जिससे सोसाइटी के रूल्स के उल्लंघन हुए। और दूसरा रूल,
अगर मिस्टर त्रिवेदी आपको किसी भी टाइप का जलसा करना है ना, तो उससे पहले एक हफ्ते पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को आपको एक लिखित में सूचना देनी पड़ती है। जो कल आपने बारात वाला तमाशा किया था ना, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई। और तीसरा रूप, दो दिन पहले याद है आपको, आप शराब पीकर आए थे, अपने रात के टाइम हल्ला किया था, उसके वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, उससे भी सोसाइटी के रूल्स टूटे थे। सौ बात की एक बात मिस्टर त्रिवेदी, आपकी इन हरकतों के वजह से ना यहाँ के रहने वाले लोगों की शांति भंग हुई है। राधिका जी बिल्कुल सही कह रही है, ये जो आज आपने यहाँ पर किया है और इससे पहले जो किया था, ये सब सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। ये लीजिए। ये क्या है? ये सोसाइटी के रूल्स तोड़ने के लिए आपका पहला नोटिस है। और जानने वाली बात ये है आपके लिए मिस्टर त्रिवेदी, कि हमारी इस सोसाइटी में ना बार बार रूल्स तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तीन नोटिस भेजे जाते हैं, उसमें से पहला नोटिस आपके पास आ चुका है। दो और बचे, उसके बाद हम हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक आपको सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। तो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और कोई जाने ना जाने, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। दुनिया भले कितनी क्यों ना बदल जाए, पर आप कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज आप इस परिस्थिति में ना खड़े होते। बताया रहा था, हरकतों से बास वो आता है जिसने कुछ गलत किया हो। जब दिल टूटता है ना, तो उसकी आवाज बहुत जोर से आती है। और अगर वही आवाज लोगों तक पहुंचे तो उसे रूल्स तोड़ना नहीं कहते। दिल का टूटना क्या होता है ना, ये तुम कभी नहीं समझ सकती। क्योंकि उसके लिए सीने में दिल होना जरूरी है। ऑब्वियसली तुम्हारे पास तो है नहीं। ये जो धमकी दे रही हो ना तुम, ये जाकर किसी और को देना। कौन यहां रहेगा और कौन नहीं ना, ये तो अब वक्त ही बताएगा। खिसियानी पे लिखंबा नोचे, चलिए युग। तुम पागल हो गए क्या? कर क्या रहे हो तुम अपने साथ? कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं। और अभी जो तुमने सब किया है ना, उससे एक बात तो साफ साफ जाहिर होती है कि तुम अब भी राजा से उतना ही प्यार करते हो। सब कुछ ट्राई करके देख लिया ना तुमने, उस दिन बारात लेके उसे डाइवोर्स देने की कोशिश कर ली,
और ये जो बारात आई थी ना, ये हमारे डिवोर्स के लिए आई थी। ये रहे डिवोर्स पेपर्स। सारी सोसाइटी के सामने उसकी सच्चाई साबित कर दे। और अब ये एक जीते जागते इंसान की अर्थी उठा दी तुमने। हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए तुम। निकाल पाए राधा को अपने दिल से, जला पाए अपने प्यार की चिता। क्यों कर रहे हो यार? ऐसे मुंह फेर के जाने से ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी मोहन। मानो या ना मानो, लेकिन मेरे पापा मम्मी आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। हमारा दिमाग खराब हो गया गुनगुन। जिस राधा की वजह से मोहन भैया बर्बाद हो गए, उसी राधा का वो आज भी प्यार करते हैं, और इस बात से खुशी हो रही है तुम्हें? गुनगुन हालत देख रही हो ना तो मोहन भैया की, कैसे पागल हो गए उसके चक्कर में। बुआ मैं आपकी बात समझती हूँ, आप अपने भैया के लिए परेशान हो, पर वो मेरे भी तो पापा है ना। मुझे भी बहुत पेन होता है उन्हें पेन में देखकर। पर मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उनकी पेन की मेडिसिन थी, और वो है रामा। एक बार रामा अगर पापा के लाइफ में वापस आ जाए ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वैसे पहले वाले मोहन बन जाएंगे। पापा की हर प्रॉब्लम का सलूशन रामा है बुआ, ट्रस्ट मी। बेहतरीन, मजेदार, काबिल तारीफ, ऐसे टप्पा मार के मुंह पर मारा, ऐसे भागा यहां से। तो पहला नोटिस, दूसरा नोटिस भाई देगा चचा को, और ऐसे भगा दिए जाओगे सोसाइटी से बाहर। अब नोटिस तो दे देंगे, लेकिन देंगे कैसे? कभी कभी ऐसे चप्पड़ फाड़ के आइडियाज आते हैं ना, क्या बात है। आज भी आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं? मैं आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ मोहन जी, पर आप मुझे छोड़ ही नहीं पा रहे। जो कुछ भी ड्रामा आप कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात की मिर्ची लग गई है मिस्टर त्रिवेदी कि मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हमारी सोसाइटी में ना बार बार रूल्स तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको आपकी हरकतों के वजह से सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा, अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बीमारी का नाटक करने के कई फायदे हैं। सारा टाइम लोग सेवा में लगे रहते हैं और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। जब तक इस सब में मजा आ रहा है तब तक ऐसे ही नाटक करते रहेंगे। जिस दिन बोर हो गए ठीक हो जाएंगे।
ये सब पागल जो हमसे इतना प्यार करते हैं, उस दिन इनके लिए दिवाली हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स बेच रही हैं आप? हाँ सर, सर हमारे पास लेडीज के लिए बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन पाउडर, टॉनिक पाउडर। आप प्लीज आपके घर में जो भी लेडीज है उन्हें बुलाइए। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर की जितनी लेडीज है ना, वो खूबसूरत और हेल्दी हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं चलेगा। लेकिन आप कब तक ये प्रोडक्ट्स बेचेंगे 100-100 रुपए के? कभी ज्यादा कमाई के बारे में सोचा है? मतलब ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। सॉरी सर, लेकिन आप जैसे सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने कब कहा कैसी हैं आप, या वैसी हैं या कैसी भी हैं? मैंने कुछ कहा? 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख। नीयत खराब हुई ना, यही मेरी बेस्ट क्वालिटी है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कब कहां कैसे इंसान की टांग फिसलेगी, इसीलिए मैं टैलेंटेड। क्या करना है मुझे? आई लाइक पीपल हु कम्स स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट।